मित्रों नमस्कार, मैं डॉक्टर श्याम लड्ढा, संचालक जीवन रक्षा फर्स्ट एड एंड रिसेसिटेशन ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट नागपुर। मित्रों, मेरे पहले दो वीडियो CPR संजीवनी बूटी पार्ट वन और पार्ट टू, इसे आप लोगों ने देखा, काफ़ी सराहा, इसलिए मैं आप सभी का तहे दिल से शुक्रिया अदा करता हूँ। आज मेरा जो नया वीडियो आपके सामने आ रहा है वो है बेहोश मरीज। जब भी कोई व्यक्ति किसी भी वजह से, किसी भी आघात अपघात की वजह से बेहोश हो जाता है, अनकॉन्शियस हो जाता है, उस समय उसे किस तरीके से हमने हैंडल करना चाहिए, उसे किस तरीके से हमने प्रथमोपचार देना चाहिए ताकि उसकी जान बच सके। बेहोशी के आलम में वो व्यक्ति अजीब अवस्था में कई बार गिरा हुआ होता है और उस अजीब अवस्था में उसके गिरने की वजह से कई बार फॉरेन बॉडीज़, मतलब वॉमिटस या टूटे हुए दांत, ब्लड या रास्ते की धूल मिट्टी, ये उसके सांस के नली में जाने का बहुत ज़्यादा खतरा होता है और इससे उसकी जान जा सकती है। ऐसे समय हमें सबसे पहले उस विक्टिम को, उस मरीज को एक रिकवरी पोजीशन में रखना बहुत ज़रूरी होता है। अब रिकवरी पोजीशन क्या है ये मैं आपको यहाँ दिखाने जा रहा हूँ, जो आप देखिए। सबसे पहले आपको उस मरीज को जिस अवस्था में वो गिरा है, बेहोशी के आलम में वो है, उसको आपको इस तरीके से करवट रखना है। किसी भी करवट पे आप रख सकते हो। मित्रों, ये रिकवरी पोजीशन है, चाहे आप राइट साइड में रखो या लेफ्ट साइड में, लेकिन इसका एक नियम है, जब भी आप किसी व्यक्ति की मदद करो, आप प्रथमोपचार करो, तो उस विक्टिम के राइट हैंड पर आपको खड़ा रहना है। राइट हैंड पर रहकर ही आपको प्रथमोपचार करना है, जिसमें वो प्रथमोपचार आपके लिए काफ़ी आसान हो जाता है। अभी मैं आपको दिखाने जा रहा हूँ कि बेहोश मरीज के मुंह में जो भी फॉरेन बॉडीज़ है, उस फॉरेन बॉडीज़ को, जो गंदगी, रेती, मट्टी, कीचड़, टूटे हुए दांत, वॉमिटस जो भी है, उसे कैसे क्लीन करना चाहिए ताकि वो सांस के नली में जाके उसकी सांस बंद न हो। तो यहाँ पर आपको उस मरीज को एक करवट पर रखना है और हाथ में दस्ताने, ग्लोव्स अगर आपके हाथ में है तो ठीक है, और एक कोई भी स्वच्छ कपड़ा या पैड लेकर उसकी मुंह में की गंदगी आपको साफ़ करना है। आप फिंगर से भी साफ़ कर सकते हैं। अपना पर्पस ये है कि उसके मुंह में जो फॉरेन बॉडीज़ है उससे उसकी सांस की नली ब्लॉक ना हो। मित्रों, बेहोशी के आलम में हमें उसे पानी या कोई भी तरल पदार्थ नहीं पिलाना है। पानी या कोई भी तरल पदार्थ उसके लिए पॉइजन है, जहर है, क्योंकि अगर आप बेहोशी के आलम में उसके मुंह में पानी डालोगे तो व्यक्ति पानी निगल नहीं पाएगा और वो सीधा पानी उसके सांस के नली में जाके लंग्स में चला जाएगा। ये हमारे फेफड़े हैं, लंग्स है, और हमारे लंग्स एयर के अलावा, हवा के अलावा किसी चीज़ को टॉलरेट नहीं करते। तो हवा के जगह अगर पानी लंग्स में चला जाता है तो वो व्यक्ति की मौत हो सकती है। इसे हम एस्पिरेशन निमोनिया या डेथ ड्यू टू एस्पिरेशन कहते हैं। तो इसलिए याद रहे, बेहोशी के आलम में आप बेहोश मरीज को पानी या कोई भी तरल पदार्थ नहीं पिलाएंगे।